वैसे करण जौहर क्या मानते हैं, बच्चे? हम बच्चे मानते हैं अपना बेटा बेटी, क्योंकि मैं उनके साथ चार फिल्में कर चुका हूँ, तो फिर मेरे हिसाब से तो वो मेरे मामा जी हुए। फिल्म इंडस्ट्री में दो रिश्ते होते हैं सर, एक तो पर्सनल रिश्ते होते ही हैं, लेकिन इंडस्ट्री में भी आपका एक प्रोफेशनल रिश्ता होता है। जैसे करण जौहर साहब अपने वरुण धवन और आलिया भट्ट को अपने बच्चे मानते हैं, तो क्या आप भी, आपको कोई अभिनेत्री ऐसी है फिल्म इंडस्ट्री की जो भाई मानती हैं, या आप कोई अभिनेत्री को बहन मानते हैं? नहीं जी, अभी तक नहीं हुआ, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। वैसे करण जौहर क्या मानते हैं, बच्चे? हम बच्चे मानते हैं अपना बेटा बेटी, क्योंकि मैं उनके साथ चार फिल्में कर चुका हूँ, तो फिर मेरे हिसाब से तो वो मेरे मामा जी हुए, वो भी मेरे, मतलब मेरे भी काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं, ऐसी बात नहीं है, अच्छी अच्छे बहुत अच्छे रिश्ते, बल्कि अभी थोड़े यहाँ आने से पहले ही उनसे बात कर रहा था मैं। नहीं, मेरे लिए तो फ्रॉम द डे वन जब फिल्म बनाने की बात चलती है और एक कहानी पे हम काम शुरू करते हैं, तो उसी दिन मुझे ये पता होता है कि वी आर गोइंग, बिकॉज मेरे लिए म्यूजिक कंपोजर सिर्फ एक गाना नहीं होता, जैसा कि अभी प्रेरणा ने भी बोला कि वो सोल होता है आपकी आपकी फिल्म का, तो सोल, तीन चार सोल तो नहीं होते एक एक बॉडी के अंदर, एक ही सोल होता है। तो मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है कि आप जब अपनी कहानी चुन रहे हैं तो उसके साथ वो सोल भी आप करेक्ट चुनें, और उसके अंदर कोई चीटिंग ना करें, क्योंकि कहानी सुनाने के लिए एक अच्छा कंपोजर और एक अच्छा लिरिसिस्ट उतना ही ज़रूरी होता है जितना एक अच्छा राइटर और एक अच्छा एक्टर। मेरा और हिमेश, हमने पता नहीं काफ़ी फिल्में कर ली हैं साथ में, और मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, इन्होंने हर म्यूज़िक मुझे बहुत ही बेहतरीन दिया है, चाहे वो फिर हेरा फेरी हो, एतराज़ हो, नमस्ते लंदन हो, हमको दीवाना कर गई हो, कितने सारे म्यूज़िक इन्होंने मुझे दिया है। तो जैसे ये बता रहे थे, इनको मेरी शक्ल देखते हैं इनको म्यूज़िक समझ में आता है कि म्यूज़िक और अच्छी तरह देना शुरू कर देते हैं। एंड लेट मी जस्ट टेल यू अबाउट हिम, मैं जब म्यूज़िक इनके स्टूडियोज़ में काफ़ी जाया करता था और इनके साथ बैठता था जब ये म्यूज़िक बनाते थे, आई यूज़ टू लुक एट हिम, बाई गॉड, अपने करियर की कसम खा के कह रहा हूँ, ये आदमी बैठे बैठे गाना बना देता है, यूं ऐसे बना देता है, 10 मिनट के अंदर आंखें बंद कर लेगा और फिर कुछ ना कुछ गुनगुनाते गुनगुनाते कहीं ले जाएगा। ही इज एक्चुअली अ जीनियस, इफ आई वुड से। हेलो अक्षय सर, नेहा दिस साइड फ्रॉम आज तक, दिस साइड सर। और मुझे कंप्लीट तो करने दीजिए प्लीज। ओके, मैं, अक्षय जी ने इतनी बड़ी बात बोल दी है तो मैं ये कह सकता हूँ कि कोई भी गाना का जो कंपोजर का, मुझे लग रहा है कि जो फॉर्मूला मेरे डैड ने मुझे दिया है, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग ओमकारनाथ ठाकुर जी से हुई थी, और एक एक तरीका है जो उन्होंने मुझे सिखाया है, और वो ये है कि राइट सॉन्ग फॉर द राइट एक्टर, इफ़ यू कैन, एक आपको अगर कॉम्पोजिशन आती है तो राइट सॉन्ग फॉर द राइट एक्टर, और अक्षय जी के साथ वो सारी फॉर्मूला टूट जाती है बिकॉज एवरी सॉन्ग इज़ राइट विद हिम, तो वो बहुत कम एक्टर्स में होती है, और इसीलिए इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस के साथ जब भी म्यूज़िक आता है वो अपने एक्सपेक्टेशंस पे, यू नो, क्योंकि नमस्ते लंदन के बाद जब हमने खिलाड़ी की तो हमारे लिए वही था कि भाई खिलाड़ी का म्यूज़िक उतना बड़ा होना चाहिए, और वो उससे बड़ा हुआ। अब रक्षाबंधन पे अगेन वो टेस्ट ऑफ, एक टेस्ट है, बट अगेन उसमें आनंद जी और पूरी टीम ने ऐसी फिल्म बना दी है, और उसमें वी हैव गॉन विद द फिल्म, बट अगेन जो ऑडियो का रिलीज़ के साथ साथ एक प्रेशर रहता है हमारे कॉम्बिनेशन को लेकर, वो वी आर जस्ट प्रेइंग कि इट वर्क्स, बिकॉज आई एम वेरी हैप्पी विद द म्यूज़िक एंड आई होप यू ऑल लाइक इट, दैट्स इट।